हम अच्छे मौसम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मौसम अपना रूप बिगाड़ता है ना, तो इंसान बेहाल हो जाता है। जी हाँ, बारिश सीमा में हो तो अच्छी लगती है, लेकिन बारिश जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान त्राही त्राही करता है। इसीलिए किसी से पंगे नहीं लेने चाहिए, लेकिन भला ये दिव्य और दृष्टि को कौन समझाए। तो लीजिए, अब पिशाचिनी ने चल दी है अपनी आखिरी चाल। अब दृष्टि कैसे करेगी इसका सामना, देखना पड़ेगा। दृष्टि की जिंदगी में ये पिशाचनी कयामत ले आई है। मैंने जैसे मिस्टर शेफिल को मेरे यहाँ होने का एहसास दिलाया था, काश मैं तुझे भी एहसास दिला पाती कि मैं शीशे के अंदर फंस गई हूँ। दीदी, कांच रानी पिशाचनी के लिए काम कर रही है, और फिलहाल शाचिनी और कांच रानी ने मिलकर उसको दृष्टि को मिरर के अंदर लॉक कर दिया है, कैद कर दिया है। तो बेचारी ना बाहर आ सकती है, ना उसे कोई देख सकता है, ना उसकी आवाज़ सुन सकती है। तो शी इज़ ऑल अलोन, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बाहर आऊँ। बदली हुई दृष्टि के अंदाज को देखकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ये किस तरीके से बर्ताव कर रही है। दृष्टि पे कुछ असर हुआ है पिशाचिनी का, जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रही हैं, और उसको इस तरह से हमने कभी पहले देखा नहीं है। मैंने भी या घर वालों ने कभी देखा नहीं है इस मूड में। हम सब हैरान हैं, हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है और हो क्यों रहा है ये सब। अब ये सब है किसी और का नहीं है, बल्कि पिशाचिनी का ही करा धराया है, जिसने दृष्टि पर कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि वो पिशाचिनी के साथ मिल गई है। शक्ल तो दृष्टि की है, लेकिन हरकतें कांच रानी की है। लाइट वाली चुहिया, आई ना, मुझे कांच का टुकड़ा बोला ना तूने, तो यहीं से खड़े खड़े काट दूंगी मैं तुझे। कांच रानी हूँ मैं, कांच रानी। कांच रानी, चीखना बंद कर, अपने काम पे फोकस कर, समझी। कांच रानी को हाँ इसलिए शाचिनी लेकर आई है, उसने उसको बिल्कुल दृष्टि की तरह बनाया है ताकि वो दृष्टि की जगह ले सके और शाचिनी की मदद हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लोज है शाचिनी टू गेट द रत्न नाउ। हिकाल विजय रत्न को पाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब सच में घर में इससे ज्यादा और कुछ होना बाकी है क्या? अब तक जो जो हुआ है उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैसे दृष्टि को बहुत देर तक पिशाचनी अपने कैद में नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसके पावर्स भी तो हैं जो कांच रानी पर भारी पड़ेंगे। फिलहाल अभी तो दृष्टि का हाल बुरा है और पिशाचनी जीत की ओर बढ़ रही है। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।